सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को आगरा की नीतू ने चरितार्थ किया है। 1992 में जब उनकी उम्र मात्र 3 महीने थी, तब उनके परिवार के सदस्यों ने ही उनकी माँ और उनके ऊपर तेजाब डाल दिया था, जिसके कारण वो जल गई। उनकी आँखों को नुकसान हुआ, उनके शरीर को नुकसान हुआ। इसके बाद तमाम परेशानियाँ और तकलीफ झेलकर उनका उपचार हुआ, लेकिन एक दर्द हमेशा के लिए रहा कि जो ऊपर वाले ने उन्हें काया दी थी वो नहीं मिली। इसकी वजह से उन्हें तमाम यातनाएं जीवन भर सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सपना देखा, अपना कुछ करने का सपना देखा, और आज तमाम तकलीफों और संघर्षों को लड़ते हुए उन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। मेरा नाम नीतू है और मेरे ऊपर 1992 में एसिड अटैक हुआ। उसमें एक मेरी बहन भी थी और मेरी मम्मी थी, इन तीनों लोग सो रहे थे। रात में 1 बजे जाके मेरी नानी के नाते हम तीनों को पत्तेदार डाल दिया था, मेरे परिवार वालों। रीज़न ये था कि हम बहन बहन थे तो वो चाहते थे कि बेटा होना चाहिए। फिर उसके बाद में मेरे नानी और मेरे मामा सपोर्ट में रहे, उन लोगों ने हम लोगों का इलाज कराया। 3 से 4 महीने हम इस हॉस्पिटल में रहे इमरजेंसी में ही। और फिर उसके बाद में मेरी नानी ने प्राइवेट इलाज कराया था हम लोगों का, भीख मांग के, चंदा करके, इधर उधर से। कुल मिला के हम लोग 14 महीने में ठीक हुए। उसके बाद में बहुत बुरा, मतलब लोगों का रिएक्शन था मेरे लिए। लोग मेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करते थे, लोग कहते थे कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरा जीने का कोई राइट नहीं है, मैं क्या करूँगी और मैं कैसे मतलब अपनी जीवन को चलाऊँगी, मतलब ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वही था कि बहुत सारे दिक्कत थी मेरी लाइफ में, लेकिन मैंने लोगों की इधर से सुनी और इधर से मैंने इग्नोर किया और मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बेटर समझा था। क्योंकि हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे पास आँखें नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग है, यही जो मेरी दिमाग है, जो मेरी आवाज़ है, इसी को मुझे अपनी ताकत बनानी है। मतलब एक सपना था कि मैं अपना इंडिपेंडेंट कुछ करूं। तो सपना छोटा हो या बड़ा, तो हमने 20 तारीख को इसको लॉन्च किया है, गीता रसोई। और मैं मतलब बहुत अच्छे से और बहुत दिल से इसके साथ मैं खुश हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा नाम संदीप है। मैंने अभी ये 2 तरह के पराठे खाए, बहुत ही अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। और हमें ऐसे जो मैडम हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए सारा करना चाहिए। मेरा नाम अजय आनंद है। मैंने अभी इनके पराठे यहाँ खाए हैं। जिस तरीके का ये कार्य कर रही हैं और जो जिंदगी जीने का जो इनका करेज है, उसको मैं सलाम करता हूँ। और ये जो कार्य कर रही हैं, इनको मैं अब शुभकामनाएं देता हूँ, ये इसी तरीके से आगे बढ़े और अपनी नॉर्मल जो जिंदगी है उसको बिताने की कोशिश करें और समाज को भी एक प्रेरणा का स्रोत दे कि इंडिपेंडेंट भी आदमी रह के कार्य कर सकता है। कोई